Hi students, today we will solve exercise 3. What can these animals do or not do? Write questions and their answers. You can use verbs from the box. यहाँ पर इन एनिमल्स के यहाँ पर कुछ नाम दिए गए हैं, ठीक है। आपको ये बताना है कि ये एनिमल्स क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं, ओके। और अगर आपको सेंटेंस बनाना है तो ये जो वर्ब बॉक्स हैं इसको आप यूज़ कर सकते हैं। द वन हैज़ बिन डन फॉर यू, एक आपके लिए यहाँ पर जैसे बनाया गया है। व्हाट कैन कैट्स डू, बिल्लियाँ क्या कर सकती हैं। कैट्स कैन क्लाइम ट्रीज, बिल्लियाँ पेड़ों पर चढ़ सकती हैं। व्हाट कांट कैट्स डू, बिल्लियाँ क्या नहीं कर सकती हैं। कैट्स कांट फ्लाई, बिल्लियाँ उड़ नहीं सकती हैं। इसी तरह से आप कैसे बनाएंगे। नेक्स्ट एनिमल था आपका फिश, ओके। तो आप करेंगे व्हाट कैन फिश डू, मछलियाँ क्या कर सकती हैं। फिश कैन स्विम इन वाटर, मछलियाँ पानी में तैर सकती हैं। व्हाट कांट फिश डू, मछलियाँ क्या नहीं कर सकती हैं। अ फिश कांट क्लाइम ट्रीज, तो मछलियाँ पेड़ों पर नहीं चढ़ सकती हैं। फिर नेक्स्ट एनिमल, व्हाट कैन फ्रॉग्स डू, मेंढक क्या कर सकते हैं। फ्रॉग्स कैन स्विम इन वाटर, मेंढक पानी में तैर सकते हैं। व्हाट कांट फ्रॉग्स डू, मेंढक क्या नहीं कर सकते हैं। फ्रॉग्स कांट वॉक ऑन टू लेग्स, तो मेंढक दो पैरों पर नहीं चल सकते हैं। इसी तरह से बाकी एनिमल्स से भी आप क्या करेंगे, इसी तरह से सेंटेंस बनाकर आपको कंप्लीट करना है, ओके। नेक्स्ट एक्सरसाइज देखिए, इसमें राइट अ सुटेबल ऑब्जेक्ट फॉर ईच सेंटेंसेज। यहाँ पर कुछ सेंटेंस दिए गए हैं तो इसमें आपको कुछ सुटेबल ऑब्जेक्ट फिल करना है। जैसे महक मेड टी, गर्ल्स प्लक फ्लावर, सौम्या बॉट बटर, वी मस्ट स्पीक द ट्रूथ, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर वी मस्ट नॉट टेल लाइज, टोनी हैज लर्नड हिज लेसंस, ये सारे यहाँ पर आपको वर्ब फिल करके दिए गए हैं। इनको आप बुक में ही अपने फिल करेंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज देखिए, राइट अ सुटेबल सब्जेक्ट फॉर ईच सेंटेंसेज। यहाँ पर आपको सेंटेंस के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट फिल करना है। क्या करना है, सेंटेंस जिस हिसाब से है उसी के अकॉर्डिंग आप सब्जेक्ट फिल करेंगे। सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट मींस जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट देखिए, कट माय हेयर, हम मेरे बाल काटता है, तो बाल कौन काटता है, बारबर, द बारबर कट माय हेयर। उसी तरह से रैंग द बेल, घंटी बजाई, किसने, द प्यून रैंग द बेल। थर्ड, मेड अ टेबल, टेबल चेयर वगैरह कौन बनाता है, द कारपेंटर, पेंटर, ओके, कारपेंटर जो है वो टेबल चेयर वगैरह बनाता है। उसी तरह से देखिए बाकी जो बॉक्सेस ब्लैंक्स हैं उसमें भी फिल किया गया है, और इसको भी आप बुक में ही कंप्लीट करेंगे, ओके क्लास, थैंक यू।